चलिए मैच यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ चलिए यहाँ मैच स्टार्ट होता हुआ विजय पवेलियन से पहली गेंद पहली गेंद पे हल्का फंबल जिसके चलते हम पैर ने डेड बॉल करार दिया यहाँ पर तो शुरुआत फिर से होगी रिटेक लिया गया जिस तरह से पिक्चर में आपने देखा होगा रिटेक लिया जाता है तो ये रिहर्सल थी और रिहर्सल अब मुकम्मल हुई अब रिटेक लिया जा रहा है यहां से सो so, कैमरामैन हमारी कैमरे की आंखों से इस दृश्य को कैद करते हुए विजय पहली ही गेंद फुल टॉस और बड़ा प्रहार गेंद निकल गई है सीमा रेखा के करीब डिक्लेयर जोन में अंपायर का इशारा दो रन का शुरुआत यहां पर दो रन से हुई है दिशा गलत चुनी थी इस शॉट को खेलने में अगर 90 डिग्री थोड़ा सा दिशा लेफ्ट हैंड की तरफ जाती यानी मिड ऑन की तरफ जाती तो यकीनन ये चार या छह में कन्वर्ट कर गए होते इस शॉट को अगली गेंद बहुत ही उम्दा गेंद इस बार गुडलैंड पर पिच किया था बैक फुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था बल्लेबाज सनी का लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं बॉटम एज जरूर लगी थी और शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े इस फील्डर के दस्तानों में जाती हुई गेंद कोई रन नहीं वापसी यहां पर रही है विजय की पहली गेंद पर दो रन आने के बाद दूसरी गेंद डॉट के साथ इस बार दिशाहीन गेंद ऑफ गेंद्रम के काफी बाहर रूम था अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ एक अतिरिक्त रन तो हर खाते में जुड़ेगा यहाँ पर जिसके चलते स्कोर बढ़ता हुआ यकीनन जाएगा तीन रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद विजय इनसाइड आउट जाकर खेला इस बार हवा में है गेंद और फील्डर दौड़ते हुए आए हैं गेंद क्या खूबसूरत तरीके से उसे फील्ड करने का प्रयास जरूर किया था ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति के अनुसार चलते वहां पर मात्र दो रन मिले इस दो रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है पांच रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर विजय एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर अपनी टीम के जानीब से पहला ओवर है कहीं ना कहीं फुल लेंथ डिलीवरी थी लोअर फुल टॉस बनाकर ड्राइव करना चाहते थे कवर्स पर गेंद पहले निकली बल्ला बाद में घूमा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं तेज तर्रार गेंद थी गति में थोड़ा परिवर्तन जरूर देखने मिला था यहाँ पर विजय की विजय के पास भी गेंदबाजी में वेरिएशन है कभी स्लोवर डिलीवरी करते हैं कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी कभी फुल लेंथ डिलीवरी हो देखिए है यहाँ पर फिर से एक बड़ा प्रहार लॉन्ग ऑफ पर फील्डर वहां पर दौड़ते हुए आए मात्र एक रन जरूर यहाँ पर मिलेगा सनी को सुरेश जो कि स्ट्राइक रोटेट करना नहीं चाहते थे इस ओवर की की आखिरी गेंद विजय राउंड द विकेट अंपायर से गार्ड लिया है ऊंचे कत के है और तारीफ करनी होगी यहां पर विजय की देखिए जम्बावे में एक प्लेयर हुआ करते थे नील जॉनसन अक्सर ओपनिंग गेंदबाजी करते थे और ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे वहीं कहीं ना कहीं आरआर रॉयल की जानिब से भी आप देखेंगे तो विजय सलामी गेंदबाजी के रूप में आते हैं और सलामी जोड़ी के भी रूप में आते हैं तो जम्बाब्वे के नील जॉनसन को कुछ हद तक कॉपी करते हुए पांच गेंदे अब तक हो चुकी है पांच गेंद के बाद स्कोर जा पहुंचा है पांच रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर दिरे दिरे रन का रन का पांचवा ना छह तो हुआ छह हुआ ओके तो विजय अपनी ओवर की अगली गेंद बहुत ही उम्दा गेंद इस बार गुडलैंड पर फिर से पिच किया था का मौका माय गॉड अगर गेंद से टकराती तो फाइटर्स के लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता यहां पर बहुत बड़ी विकेट थी ये और इस बार फिर से तकदीर ने सुरेश का जरूर साथ दिया है क्या तेज दर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट थी बहुत तेजी से दौड़े अपनी विकेट बचाने के लिए और इस ओवर की समाप्ति के चलते स्कोर जा पहुंचा है सात रन बिना किसी विकेटों के, के नुकसान पर डीजे करने के लिए तैयार संतोष ओवर द विकेट अंपायर से गार्ड लेते हुए सामने है एक आक्रामक एक विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश पहली ही गेंद पर बड़ा प्रहार और गेंद निकल गई है सन्नाटे को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर शटकार डीजे लोरे बा 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 बाबा 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 बा उ मोटा डीजे और दोनों ही बिमर डिलीवरी पे सात सात रन यानी हम सात सात हैं क्या बात है डबल सत्ते बटोर लिए बल्लेबाज ने यानी ओपन में सत्ता तो क्लोज में भी सत्ता क्या बात गेंदबाज यहां पर चेंज होता हुआ बिमर डिलीवरी के चलते इन लीगल डिलीवरी थी दोनों और फिर से फ्री हिट है सो फ्री हिट का भरपूर फायदा लेंगे सुरेश मैंने कहा था ये सुरेश है वन मैन आर्मी कोपरी फाइटर्स का ये एक ऐसा फाइटर ये अगर विकटों पे खड़ा रहा पांच ओवर तक अगर नाबाद रहा तो रनों का अंबार लगा देगा एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करके देने वाला ये प्लेयर नाम ही काफी है सुरेश और ये गेंद में पार्क हुई पार्किंग लॉट में रनों के लिए क्या बात है डीजे रन बटोर लिया है इस बंदे ने मात्र तीन गेंदों पर क्या आक्रमकता के साथ बल्लेबाजी है अभी अभी मैन ऑफ द मैच लेकर गया है ऐसी ही विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए और आज ऐसा लग रहा है कि वो माइंड सेट करके और नजरें सेट करके आया है डगआउट से पांच बॉल तेवीस रन के स्कोर पर खेलता हुआ मुझे लगता है कि एक और अर्धशतक मार कर जाएगा देखिए यहां पर रनआउट का जो मौका छूटा था ये उसका है सुरेश फील्ड का मुआइना करते हुए जबरदस्त बल्लेबाज सुरेश इस बार एक बड़ा हिट है बड़ा हिट है बड़ा 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 सही में बड़ा हिट है आसमान को चूमता हुआ ये स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर शटकार डीजे किया था कि सुरेश जो आपने इससे पहले मैच में एक पचास रन की पारी खेली थी उसके बारे में क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा था कि पहला मैच इस टीम से हारने के बाद मेरा टेम्पर एकदम चढ़ गया था और मैं यही सोच कर आया था कि आप जो हो जाए हार या पार लेकिन बॉल को मैं पार करके जाऊंगा यकीन बॉल को पार किया और अब भी, भी बल्ला आग बोलता हुआ सुरेश क्या जबरदस्त रोग इस बार फुल एंड डिलीवरी थी जड़ों में डाली थी अगेन बैकफुट पर जाकर ऑन द राइस लॉफ किया हल्के हाथ से बिल्कुल सीधे बल्ले से सीधा शॉट मिड ऑफ पर गेंद जाती हुई मिड ऑन पर गेंद जाती हुई एक रन जरूर यहां पर मिला है सुरेश को स्ट्राइक रोटेट किया और स्ट्राइक रोटेट करने के बाद स्कोर जब पहुंचा है थर्टी एट मंगेश, एक और बड़ा हिट यहां पर गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर यह खेली गई गेंद एक रन जरूर यहां पर मिलेगा बल्लेबाज सनी को इस सनी डे में सनी भी अपना जौहर दिखाते हुए इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा है। उन उनचालीस रन दूसरी ओवर का खेल यहां पर जारी और सारी अभी भी इस ओवर की समाप्ति के लिए एक गेंद शेष एक और बड़ा हिट खेला है और इस गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर छटका डीजे जा पहुंचा है इस छक्के के बाद 45 रन दो ओवर की नुकसान ओवर की समाप्ति पर यानी तकरीबन साढ़े बाईस रन का रिक्वायर्ड रन रेट सॉरी करंट रन रेट चलता हुआ साढ़े बाईस और इस तरह से बल्लेबाजी हो रही है विस्फोटक बल्लेबाजी हो रही है आर आर रॉयल के खेमे में निराशा और मायूसी नजर आती हुई लेकिन दोस्तों आर आर रॉयल के प्लेयर्स के अंदर भी इतना दमखम है कि जब ये बल्लेबाजी करने आएंगे तो ये रन भी ये चेस कर सकते हैं इतनी ताकत इतनी क्षमता इनके बल्लेबाजों में है कॉपरी so, फाइटर्स मैं आपके लिए कह रहा था इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो और समझदार के लिए इशारा काफी होता है मेरे भाई लेकिन क्या बल्लेबाजी है इस बल्लेबाज सुरेश की सुरेश ने सुरेश रायना को भी पीछे कर दिया वो भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे और सुरेश की बल्लेबाजी देखकर मुझे 96 का एक मैच याद आ रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वो मैच खेला गया था सनत जय सूर्या ने ऐसे ही छक्के लगाए थे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान में यह बात बवाल हो गई थी बात फैला दी गई थी कि जयसूर्या बल्ले में स्प्रिंग लगाकर खेल रहा है तो सुरेश का बल्ला भी चेक करे कहीं स्प्रिंग लगाकर नहीं आया है कि इसके बल्ले से गेंद छूते ही निकल जा रही है सीमा रेखा के बाहर और अभी सुरेश कहीं ये ना कह दे कचरा छू के दौड़ हमका मौका दे बहुत ही उम्दा स्ट्रोक इस बार फील्डर वहां पर मौजूद एक रन जरूर मिलेगा लेकिन सुरेश भाग ही नहीं रहे मात्र एक रन के साथ वो चाहते कि स्ट्राइक रोटेट कर लगान पिक्चर में आमिर ने कहा था कचरा छू के दौड़ इन्होंने भी कहा कि बस कचरा छू के दौड़ हमका मौका दे हम उठा के ढे है और जिस तरह से यह बल्लेबाजी हो रही है सुरेश की काबिले तारीफ स्कोर भैया इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 46 रन 46 रन रनों के आंकड़े आसमान छूते हुए जितनी तेजी से पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े हैं उतनी तेजी से यहां पर रनों की गति बढ़ रही है क्या बात है फील्ड में परिवर्तन जरूर यहां पर सुरेश के लिए एक अटैकिंग फील्ड लगाई गई है के फसाया जाए सुरेश को जाल में अब देखना यह होगा कि गेंदबाज एक बाउंसर करता है मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद ताकि सुरेश भी इस गेंद को पुल करे और जाल में फंसे लेकिन सुरेश है भैया वो तुम्हारे जाल में फंसेगा नहीं जाल को काटते हुए निकल जाएगा देखिए क्या नजाकत भरी गेंद बहुत ही उम्दा डिलीवरी अनप्लेबल डिलीवरी थी अतिरिक्त उछाल गति मिली गेंद को गति दिखी इस गेंद में और बाउंस होने के बाद कीपर के दस्तानों से मिस होती पर जाकर लेट कट करने का मन बनाया था लेकिन इससे पहले के बल्ला गेंद को छूता गेंद तेजी से निकल गई विकेटकीपर के पास शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी पुल करना चाहते थे इस बार रनआउट का मौका है यहां पर लेकिन थ्रो 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 रहा काफी दूर प्लेयर के हाथों से और मौका यहां पर सनी को मिलता हुआ एक और लाइफ लाइन सनी को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक लाइफ लाइन मिली है अब इस लाइफ लाइन का कितना भरपूर फायदा उठा पाते हैं यह देखना बाकी रहेगा फुल टॉस बॉल ऑस्टम के बाहर अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल तो एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है फोर्टी रन बिना किसी विकटों के नुकसान पर सलामी जोड़ी गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के रूप में बल्लेबाजी चलती हुई यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद और खूबसूरत तरीके से उसे लॉफ्ट किया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ यह गेंद जाती हुई मात्र एक रन मिलेगा एक रन से संतुष्ट होंगे यहां पर सुरेश और एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 48 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड बिना किसी विकटों के नुकसान पर सनी के पास इस वक्त मौका इस गेंद को खेलने का दो दशमलव चार ओवरों का खेल अब तक समाप्त होता हुआ दो गेंदे शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दो गेंदे होंगी ये गेंदबाज के दृष्टिकोण से कप्तान चाहेंगे कि डॉट बॉल्स कन्वर्ट किया जाए इस दोनों गेंदों को बैकफुट पर जाकर बड़ा हिट खेलने का प्रयास किया था दिशाहीन गेंद के चलते एक और अतिरिक्त रन जुड़ेगा खाते में इस एक रन के माध्यम से स्कोर और बढ़ता हुआ उनचास रन मात्र एक रन दूर है टीम का स्कोर अपने अर्धशतक से और सुरेश की अगर बात की जाए तो अब तक बेहतरीन पारी खेलते हुए सैंतीस रन की नाबाद पारी अब तक खेलते हुए और इससे पहले के मैच में भी एक अर्धशतक जड़ चुके हैं और इस बार भी मात्र तेरह रन दूर अपने अर्धशतक से और एक बार के काफी बाहर ये गेंद उठाकर खेलने का प्रयास किया था विकेट कीपर के दस्तानों से मिस होती हुई और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट आंखों ही आंखों में इशारा होता है और बैठे बैठे दो रन का सहारा यहाँ पर होता है दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से और एक बाइक का इशारा वाइट के चलते भी एक रन और जुड़ेगा तो यानी टोटल तीन रन मिले इस गेंद पर बिना गेंद फेंके तीन रन का भुगतान करना पड़ा है कही कहीं ना कहीं कोपरी फाइटर्स को तो इस तीन रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ बावन रन क्या तेज तर्रार बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से और रनों की गति में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है शेयर बाजार में किसी शेयर कंपनी के शेयर्स भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते जितनी तेज़ी से यहाँ पर रनों की संख्या बढ़ती हुई अभी भी ओवर की समाप्ति के लिए दो गेंदे शेष डेड बॉल का इशारा अंपायर का हवा के चलते यकीनन एक तिनका या कोई धूल मिट्टी गेंद बल्लेबाज की आंखों में गई थी जिसके चलते डिस्टरबेंस हुआ बहरहाल यहां से फिर से गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए गेंदबाज उठाकर खेला है इस बार मिड विकेट जोन मारेगा के बाहर बिग 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 शटकार डीजे एक और हवाई फायर बिल्कुल दूर गगन को चूमती हुई रॉकेट की तरह यह के बाहर डीजे चर्च गेट से विरार तक 150 मील फी घंटे की रफ्तार से जलद लोकल दोनों ही जलद लोकल अब ट्रैक पे आ चुकी है और अब ये रुकने वाले नहीं है इन्हें रोकना है तो इनका विकेट लेना होगा और अस्सी रन का टारगेट कम से कम सेट करने का मन बनाया होगा इन दोनों प्लेयर ने क्योंकि सिक्सटी प्लस रन अब तक तो जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड पर मात्र तीन ओवर की समाप्ति हुई है बारह गेंदों का खेल अभी भी शेष है और इन बारह गेंदों में अगर चालीस रन बटोर लिए तो ये होगा टूर्नामेंट का सबसे सर्वशेष सबसे बड़ा टोटल यानी हंड्रेड गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज नाम विजय दीनानाथ है गांव मांडवा नहीं गांव डांडा डांडा तो नहीं है भाई सो विजय के कांधे पर अपनी जिम्मेदारी विजय ने ली है इस गेंदबाजी की विजय एक अनुभवी गेंदबाज और पहली ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे लेकिन यहां पर कम करने की जरूरत है विजय को मात्र सात रन देकर अपनी ओवर की समाप्ति की थी अब यहां पर क्या इस बड़े सैलाब को रोक पाएंगे इस भवंडर को रोक पाएंगे या नहीं जो कि सुरेश के रूप में मैदान में घूमता हुआ एक बड़ा भवंडर छोटा पैकेज बड़ा धमाका और जबरदस्त कवर के ऊपर से खेला ये स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा के बाहर शटकार डीजे ने वाला हर वो शख्स इसके भवर में फंसता हुआ बहकर निकल जाएगा सुरेश की सुनामी निकल पड़ी है तबाही मचा कर जाएगी एक और रॉकेट निकला है यकीनन ये गेन जाएगी सीमा रेखा के बाहर शटकार 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 डीजे। फॉर्म को फॉर्म बताना बनाना ये कोई सुरेश से सीखे और मौके का फायदा उठाना कोई प्लेयर से सीखे क्या जबरदस्त बल्लेबाजी है सुरेश की विजय अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे इस बार सनी ओ इस बार खूबसूरत स्ट्रोक सनी का मात्र एक रन लेंगे

फील्डर के ओ माय गॉड ये क्या हुआ जो हुआ सुरेश की दृष्टिकोण से अच्छा हुआ भैया दूसरी लाइफलाइन इतनी लाइफलाइन तो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ ने भी किसी को नहीं दी होगी जितनी लाइफलाइन इन दोनों प्लेयर को मिलती हुई फोनो फ्रेंड 50 50 ऑडियंस पोल्स सारे ही लाइफलाइन आज यूज कर रहे हैं ये लोग आज भैया घर से घी और शक्कर खाकर निकला है सुरेश माँ की दुआओं का साया है सर पर और गेंद जा रही है पर्वत पर्वत और एक रॉकेट निकलता हुआ इस बार और सीधे सीमा रेखा बाहर शटकार डीजे नहीं 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 मैं भूल गया वो शेर कुछ में याद आ जाएगा बहरहाल यहां पर जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है बल्लेबाजी के तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं स्कोर हो गया है 85 फाइव रन दोस्तों आप रन की चिंता ना करें आप अपनी जो कोशिश में लगे हैं वो करते रहे परिणाम आपके हक में है ईश्वर का आशीर्वाद और परिणाम दोनों ही आपके हक में है आज दोनों को लाइफलाइन मिलती हुई दो दो लाइफलाइन दोनों को चौदह गेंदों पर पचास रन की पारी सुरेश की और इससे पहले मैच में सत्रह गेंदों पर पचास रन की पारी खेली थी तो यहां पर अगर बात की जाए सुरेश की तो केवल इकतीस गेंदों में सौ रन बनाए सुरेश ने इकतीस गेंदों में सौ रन काबिले तारीफ यहां पर बड़ा हिट इस बार और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के करीब जरूर इसे पकड़ लिया गया है एक रन और मात्र एक रन यहां पर मिलेंगे चलिए मैच स्टार्ट रखेंगे गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार इस बार पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए छोटे कद के हैं लेकिन इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास इस बार गेंद जाती हुई मिड विकेट जोन पर मात्र एक रन मिलेगा सनी ने स्ट्राइक को जरूर यहां पर रोटेट किया है एक रन जरूर यहां पर प्राप्त किया है बल्लेबाजों ने एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन केवल 13 रन कम है पूरी सेंचुरी होने के लिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा गेंद जाती हुई शॉट थर्ड मैन पर मात्र एक रन इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ अट्ठासी रन एटी एट रन ऑन स्कोर कार्ड और विदाउट एनी लॉस दोनों ही अब तक सलामी जोड़ी सलामी के साथ बल्लेबाजी करती हुई बहुत ही उम्दा गेंद फर्नीचर डिस्ट्रॉय यहां पर बड़ी विकेट बड़ी सफलता लेकिन देर कर दी मेहरबान आते आते जो काम इन सलामी जोड़ी को करना था वो काम ये कर गए हैं लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए पहली सफलता यहां पर रही है गेंदबाज के नाम डीजे ताल काए टोटल यहाँ पर स्कोर कार्ड पर नजर आता हुआ दो गेंदे अभी विशेष हैं दो गेंदों पर दो षकार अगर लग जाए तो पूरे सौ रन हो जाएंगे इस टीम के लेकिन बहरहाल ये अब तक का सबसे बड़ा टोटल है मुझे ऐसा लगता है कल से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा टोटल यहाँ पर बनाने में सक्षम रही है ये टीम आर आर रॉयल So, अगली गेंद इस बार बहुत ही उम्दा गेंद और खूबसूरत तरीके से उसे खेला है ज़ोन पर डीप पर फील्डर मौजूद मात्र एक रन यहां पर देकर जाएगी ये गेंद इससे ज्यादा कुछ नहीं अब आखिरी गेंद पांच गेंदों में मात्र चार रन दिया है क्या इस गेंदबाज को आपको पहले कराना चाहिए था ये आखिरी गेंद इस ओवर की उन नब्बे मात्र एक रन दूर नब्बे से और सामने है सुरेश क्या इस गेंद पर आएगा छक्का या मात्र एक रन गेंदबाज की भी यहां पर तारीफ करूंगा मैं क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है इस ओवर में स्लोवर डिलीवरी और फॉलो थ्रो में गेंद को पकड़ा है और चार रन देकर सफलता दिलाई है अपनी टीम को देखिए पांच ओवरों के मैच में अगर पहली ओवर की बात की जाए तो मात्र सात रन और आखिरी ओवर में केवल चार रन यानी ग्यारह रन और वो ग्यारह रन निकाल दिए जाए तो अठारह गेंदों में बने हैं सेवेंटी नाइन रन क्या बल्लेबाजी की है भैया अठारह गेंदों में सेवेंटी नाइन रन की पारी खेली है काबिले तारीफ जोरदार तालियां होनी चाहिए सुरेश और सनी के लिए जिस तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी की है पांच ओवरों में लक्ष्य दिया है यानबे रन का नब्बे और एक 91 रन का टारगेट है सॉरी रन का टारगेट होगा नब्बे रन का टारगेट है क्योंकि आखिरी गेंद पर रनआउट हुआ था फील्डर बॉल पे की जाए अंपायर के पास प्लीज मैच बॉल Иди. पर सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती हुई तीस गेंदों में जरूरत है नब्बे रनों की प्रति ओवर अठारह रनों की जरूरत कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है लेकिन दिखने में काफी बड़ा है ऐसा बल्लेबाज कर आएंगे लेकिन काफी बड़ा लक्ष्य मुश्किल है नामुमकिन नहीं कॉपरी फाइटर्स आर आर रॉयल्स दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक और बहुत बड़े मुकाबले में दोनों ही बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ती हुई जिसमें बल्लेबाजी करते हुए आर आर रॉयल ने एक विशाल कार्य टोटल यहां पर दिया है नब्बे रनों का अब आने वाले प्लेयर्स कौन है बैट्समैन विजय अदर जैक्सन बॉलर कौन है गेंदबाजी मार्क पर सागर पहली गेंद पहली ही गेंद पर बड़ा प्रहार इस बार गेंद जाती हुई मिड विकेट जोन पेड़ों से टकराई जरूर रन के लिए दौड़ पड़े दो अपने अपनी पोजिशन पर पहुंच गए दो रन हासिल किया विजय ने विजय ने अपनी पारी का आगाज किया है दो रन के साथ और स्कोर कार्ड पर दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड मात्र दो रन बिना किसी विकटो के नुकसान पर इस कड़कती धूप में दर्शक की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई रविवार का ये दिन और रविवार के इस दिन में छुट्टियां मनाती हुई हमारे दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए फुल टॉस गेंद और गेंद स्लॉट में पार्क होगी पार्किंग लॉट में रनों के लिए डीजे तो बड़ा हिट देखिए ये बड़े जिगर के साथ बल्लेबाजी करना कहते हैं पहली दो गेंदों पे रन लेना मनोबल बढ़ेगा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा एक और फुल टॉस गेंद और उस पर बड़ा प्रहार इस बार लेकिन डीप पर फील्डर मौजूद पर ये रन बन सकता था यहां पर विजय ने रिस्क लेना नहीं चाहा एक आसान सा रन था विजय चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि स्ट्राइक को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखे। मैंने कहा था कि देखिए जम्बाव के प्लेयर थे नील जॉनसन सलामी जोड़ी के रूप में आते थे ओपनर गेंदबाजी करते थे ओपनर बल्लेबाजी करते थे वहीं वैसा कुछ दिखता हुआ यहां पर विजय के माध्यम से गेंदबाजी पर ओपनिंग करने आते हैं और बल्लेबाजी में भी ओपन करते हैं पटकी हुई काफी बाहर वाइट का इशारा अंपायर का जरूर यहां पर मिलता हुआ एक रन और अतिरिक्त खाते में जुड़ता हुआ इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है नौ रन बिना किसी विकटों के नुकसान पर अठारह रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट था शुरुआत में और उसी का पीछा करती हुई ये टीम गेंदबाजी मार्ग से सागर पर कर दिया है बड़ा प्रहार गेंद जाएगी गगन निकलता हुआ ये एक और सन्नाटे को चीरता हुआ शटक ने दर्शा दिया है आपके पास ईट है तो हमारे पास भी पत्थर है हर घुटने का जवाब टक्कर से दूंगा और फैया टक्कर स्टाइल में छक्के लगाऊंगा क्या छक्के हैं बैक टू बैक दो छक्के जरूर लगाए हैं यहां पर बल्लेबाज विजय ने सागर इस बार जड़ों में डाली है गेंद कैच बन सकता है और बड़ी सफलता इस बार सागर ने लगा दिया है इस नाव को किनारे और बता दिया है हम भी है आप पर शेर पर सवा शेर डीजे सागर अपनी अगली गेंद लेके तैयार इस ओवर की आखिरी गेंद है सागर की दो छक्के जरूर जड़े हैं इस ओवर में चौदह रन आ चुके हैं अब तक एक फुल टॉस गेंद और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर बिग 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 का। यहां मैच शुरुआत हुई थी 18 रन का रिक्वायरमेंट था यानी मुद्दल रन 18 थे और इस टीम ने दो रन बढ़त मारी है यानी उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी दिया है सो 18 पर यानी रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड मुद्दल के साथ इक्कीस रन यानी मुद्दल के साथ भी आज भी क्या बात है तो जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत यहां पर मिल चुकी है बल्लेबाजी टीम को कोपरी फाइटर्स फाइट करना जानते हैं और हर तोड़ का हर मोड़ का जवाब जानते हैं नब्बे रन का पीछा करती हुई टीम पहली ओवर में इक्कीस रन जड़ चुके हैं अब तक और अब यहां पर जरूरत है मात्र 69 रनों की उनसठ रनों की उनसत्तर रनों की जरूरत है 24 गेंदों में अब आने वाला अगला गेंदबाज कैफ ओवर द विकेट एंपायर से गार्ड लेकर गेंदबाजी मार्क से पहली ही गेंद शीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का और एक रन जरूर यहां पर मिलेगा इसे एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रन टू टू ट्वेंटी टू रन ऑन अ स्कोर कार्ड लॉस ऑफ वन विकेट So फिर से फेंकनी होगी यह गेंद अब भी चौबीस गेंदों में जरूरत है सिक्सटी एट वनों की बाबा 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 कौर्र मोटा छक्का डीजे ये कैच नहीं आपने मैच मिस किया है ऐसे बड़े प्लेयर को मौका देना बहुत बहुत घातक साबित होगा आपके लिए और इस मैच को हारने के बाद आपको अंदाजा होगा कि यह कैच कितना इंपॉर्टेंट था इस मैच के लिए कहीं ऐसा ना हो तीन सौ पैंसठ दिन का इंतजार करना पड़े अगले सीजन टू का गेंदबाज प्रयास जरूर किया था लेकिन इस बार तकदीर ने थोड़ा सा मायूस किया उन्हें लेकिन तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है मेरे भाई जो लड़ना जानते हैं लड़े कोशिश करें मनोबल को और ऊंचा करें यकीनन कामयाबी आपके कदम चुमेगी और जीत का सेहरा भी आपके सर बन सकता है हाई वोल्टेज मुकाबला है ये बहुत बड़ा मुकाबला है ये दोधारी तलवार इस वक्त मैच दिशाहीन गेंद एक और अतिरिक्त रन खाते में मिलता हुआ इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है बत्तीस रन अट्ठावन रनों की आवश्यकता तीन गेंदें अभी शेष इस शे, ओवर शे, की समाप्ति के लिए फिर से दिशाहीन गेंद अब तक इस गेंदबाज ने अपनी ओवर में पांच वाइड डिलीवरी कर चुके हैं और लीगल डिलीवरी की अगर बात की जाए तो मात्र तीन यानी आठ गेंदे भाई गिरते थे ना अभी देखिए सीएट टायर का एड है कि रेती में भी चलती है रुकावट के लिए खेद है मेरे भाई छोटा सा एक ब्रेक है आपके लिए एक हल्की सी सांस ले सकते हैं आप खाली वो आ, ऐसे यूट्यूब पे बहुत से आइड है पापा की परी तो ये पापा के परा है परा भाई फिर ये सही में पापा का परा है तो यहां पर चलते हैं लाइव मैच की जानी गेंद हो चुकी है और डॉट बॉल रहा यहां पर वापसी की है गेंदबाज ने अब यहां पर आवश्यकता मात्र अट्ठावन रनों की है दो गेंदे अभी विशेष इस ओवर की समाप्ति के लिए सत्तावन रनों की आवश्यकता है जड़ों में डाली इस बार कवर के ऊपर क्या खूबसूरत स्ट्रोक ये कि देखने को मिला एकदम प्रोफेशनल क्रिकेट स्ट्रोक अक्सर लेदर क्रिकेट में ऐसे स्ट्रोक देखने को मिलते हैं कवर ड्राइव पर बिल्कुल उमदा ड्राइव किया था फ्रंट फुट पर आए थे पहला पैर ट्रैक के बाहर था अपने क्रीज के बाहर था सीधे बल्ले से खेला ये स्ट्रोक कवर के ऊपर एक रन जरूर यहां पर मिलेगा एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रन अभी भी एक गेंद बाकी है इस ओवर की समाप्ति के लिए काफी लंबा ओवर रहा है ये बहुत बड़ा ओवर रहा दर्शकों की तादाद आप देखें इस मैच का आनंद लेने के लिए दर्शक की भीड़ मैदान में जमती हुई फुल टॉस और फिर से बल्ले की एज और फील्डर नीचे लेकिन देर आए दुरुस्त आए जिस चीज का प्रयास किया था वो सफलता लेकर अपनी टीम को अपनी ओवर की समाप्ति की है डीजे 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष और इन 18 गेंदों में आवश्यकता जो कि बाकी रिक्वायर्ड रन रेट है 18.60 का यानी प्रति ओवर साढे 18.15 रन मारने होंगे प्रति ओवर अगर इस मैच को जीतना है अभी भी 56 रनों की जरूरत है अब तक 56 18 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता बहुत बड़ा टारगेट है लेकिन मुमकिन है कि यह टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं मेरे भाई पानी पानी देंगे सर प्लीज जरा बल्लेबाजों को नहीं है सर यहाँ पर पानी नहीं अपने डगाउट से अपने घर से लेकर आना है पहले ही कहा था सुबह हाँ उनके लिए रखा गया है चलिए यहां पर मैच स्टार्ट करेंगे प्लीज अठारह गेंदों में छप्पन रनों की आवश्यकता अठारह दशमलव साठ शून्य शून्य का रिक्वायर्ड रन रेट, आस्किंग रन रेट दिखाता हुआ हमारा कंप्यूटर दर्शकों की तादाद में बढ़ोतरी होती हुई तकरीबन बारह हजार दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए अपनी जीती जागती आंखों से इस मैदान में मौजूद और अभी अभी सूत्रों के अनुसार हमें यह खबर मिली है लाइव टेलीकास्ट देखने में तकरीबन पचास हजार लोग हमसे जुड़े हुए हैं फुल टॉस गेंद इस बार कवर्स मिड विकेट पर खेला ये स्ट्रोक एक रन जरूर यहां पर मिलेगा दोनों ही बल्लेबाज को सूरज गेंदबाजी मार्ग पर सागर सागर किनारे से सागर फुल एंड डिलीवरी और नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दीजिए इस मैदान को गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर बिल्कुल गगनचुंबी छक्का बढ़ता हुआ जा पहुंचा है इकतालीस रन फोर्टी वन रन अब जरूरत है सत्रह गेंदों में पचास रनों की सत्रह गेंदे पचास रन मैच सोलह गेंदों में पचास रनों की आवश्यकता बीस दशमलव अस्सी शून्य का रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी दर्शाता हुआ दो गेंदे अभी भी हो चुकी है चार गेंदे शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए इस बीच सागर अपनी अगली गेंद जड़ों में डाली है गेंद कारपेट स्ट्रोक विकेट जोन पर जाती हुई गेंद फील्डर वहां पर डीप पर मौजूद मात्र एक रन मिलेगा एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है बयालीस रन धीरे धीरे रनों की संख्या में बढ़ोतरी अभी भी मैच में जान बाकी है सागर गेंद से अगली गेंद लेके तैयार फुल एंड डिलीवरी उठाया इस बार मिड विकेट जोन से का, जोन के बीच में खेला गया स्ट्रोक मात्र एक रन कैच वहां पर जरूर मिस किया है फील्डर ने अतुल अतुल ने कैच छोड़ा है यह कैच नहीं मैच कहीं छोड़ा ना हो जाए मेरे भाई दो कैचेस छूट चुकी हैं अब तक और इसका खमियाजा कहीं पूरी टीम को भुगतना पड़ जाए अगली गेंद सागर की दो गेंदे अभी भी बाकी इस ओवर की समाप्ति के लिए सागर पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए ऑफ्टम के काफी बाहर ये गेंद पुल करना चाहते थे गेंद बल्ले से टकराई नहीं बाय का इशारा अंपायर का मिलता हुआ लेग बाइक के चलते स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाब हो गए दोनों ही बल्लेबाज और एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है फोर्टी फोर डबल फोर चौवालीस रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड इस वक्त दो विकेटों के नुकसान पर और यह आखिरी गेंद इस ओवर की सागर फुल एंड डिलीवरी और स्टैंड एंड डिलीवर गेन सीमा रेखा के बाहर बिग 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 अर्धशतक टीम ने पूरा जरूर किया यहां पर बारह गेंदों में अब चालीस रनों की आवश्यकता प्रति ओवर बीस रन यानी तीन छक्के लगाने अनिवार्य होंगे इस मैच को जीतने के लिए चलिए मैच जरा जल्दी कंटिन्यू करेंगे सर प्लीज टीम मीटिंग एवरी ओवर ना करें बारह गेंदों में चालीस रनों की आवश्यकता थोड़ा मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं जिस तरह से अब तक की विस्फोटक बल्लेबाजी हुई है अठारह अच्छा गेंदों में पचास रन जरूर रहे हैं इस टीम ने अब यहां पर औपचारिकता नजर आती हुई बारह गेंदों में चालीस रन थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं मेरे दोस्त दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई तकरीबन पंद्रह हजार दर्शक इस मैच का मैदान में आनंद लेते हुए पहली गेंद डाउन द ट्रैक जाकर खेला आगे आए कदमों का सहारा लेकर हवा में है गेंद क्या पकड़ पाएंगे यह फील्डर और कैच गई है छूट और इस कैच के छूटते दो रन तेजी के साथ चुरा लिया गया इस कैच के छूटते ही एक बड़ा मौका यहां पर बल्लेबाज के पास बावन रन अड़तीस रनों की आवश्यकता ग्यारह गेंदों में इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास किया था काफी ज्यादा सफल हो गए थे ऑफ स्टम के बाहर अंपायर ने इसे लीगल डिलीवरी करार दिया दस गेंदों में अड़तीस रनों की आवश्यकता लोअर फुल टॉस गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे ये गेंद जाती हुई मात्र एक रन देकर जाएगी ये गेंद क्योंकि मैंने सुबह ही कहा था कि ग्राउंड की जोग्राफिया हालत कुछ खराब है यानी भौगोलिक स्थिति कुछ खराब है जिसकी वजह से बहुत सी जगहों पर गेंद जाकर फंस जाती है आउटफील्ड थोड़ी सी गीली है रात में बारिश हुई थी जिसके चलते आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो हो गई है हमारी अब ग्रास उग रही है वहां पर ऊपर वाले ने चाहा तो कल तक आ जाएंगे ग्रास पटकी हुई अगेन गेंद रिवर्स में अटैम्प किया है और वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर चौका डीजे पब्लिक यहाँ जो हमारी ऑडियंस है उनकी तादाद बढ़ती हुई चौपाटी पे मजा लेने के बजाय इस मैच का मजा लेने के लिए वो ग्राउंड का रुक करती हुई तकरीबन बीस हजार दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए ऑनलाइन अभी सूत्रों ने बताया कि साठ हजार दर्शक ऑनलाइन देख रहे हैं खासकर दुबई कतर कोत बहरेन से बहुत ही उमदा गए देखा पील और उंगलिया ऊपर गिल्ली अंदर डंडिया बाहर जाना होगा आपको डग पे टाड़ा बाय बाय डीजे अब आने वाले अगले बल्लेबाज अंकेश।, अंकेश अंकेश अगली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद कवर के ऊपर लॉफ किया डिप एक्सट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई मात्र एक रन

छह गेंदों में तीस रन की आवश्यकता थी राहुल जुगाड़िया गेंदबाजी कर रहे थे और राहुल जुगाड़िया को तीन गेंदे रखकर शेख ने मारा था और तीन गेंदों पर पूरे तीस रन बटोरे थे तो बिल्कुल क्रिकेट एवरीथिंग जैसे हम कहते हैं ना एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर होता है वैसा एवरीथिंग पॉसिबल इन क्रिकेट होता है क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ये क्रिकेट का इतिहास है जहां पर लोगों ने देखा है कि एक गेंद पर एक रन बनना मुश्किल है वहीं पर एक गेंद पर दो रन भी बनते हुए लोगों ने देखा है यह क्रिकेट है क्रिकेट so कभी हंसाएगा कब कभ रुलाएगा क्या क्या कराएगा कुछ नहीं पता बस ये जुनून है एक जज्बा है जो लोगों के खून में दौड़ता है और हम भारतीयों के जिस्म में खून कम क्रिकेट ज्यादा दौड़ता है इस क्रिकेट के लिए न जाने बच्चे कितनी स्कूल की छुट्टियां करते हैं काम की डांडी मारते हैं कॉलेज नहीं जाते ट्यूशन नहीं जाते माँ बाप की मार खाते हैं ये क्रिकेट है ये क्रिकेट आज आप देख रहे हैं सांता क्रूज के इस कोलीवाड़ा के मैदान से आप देख रहे हैं उमेश इलेवन प्रेजेंट बांध बिग बैश दो सीजन वन का पहला क्वार्टर फाइनल मैच आपकी आंखों के सामने छह गेंदों में इकतीस रनों की आवश्यकता पवेलियन एंड से गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज अर्जुन इस चक्रव्यूह से निकालेगा यही अर्जुन बड़ा हिट खेलने का प्रयास और गेंद हवा में और सीधे फोलोत्रों में अर्जुन के दस्तानों में बाय बाय डीजे गेंदों में तीस रनों की आवश्यकता इकतीस रनों की आवश्यकता पांच गेंदे इकतीस रन आदर्श स्ट्राइक पर पहली ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक पंच किया मिड विकेट जोन पर जाती हुई गेंद मात्र एक रन मिलेगा इस एक रन के माध्यम से स्कोर जरूर बढ़ता हुआ लेकिन मैच धीरे धीरे जाता हुआ इस वक्त आर आर रॉयल के पक्ष में अब औपचारिकता चार गेंदों में जरूरत है केवल तीस रनों की फुल लेंथ डिलीवरी थी बड़ा हिट खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्ले की बॉटम एज यहां पर लगती हुई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों के करीब जाती हुई लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को एक रन के माध्यम से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है सिक्सटी टू रन सिक्सटी वन रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में तीन गेंदों में थोड़े देर के लिए खुश हो गए होंगे बल्लेबाज ये अच्छी गेंद एक अपील यहां पर थोड़ी सी उछाल जरूर थी दो गेंदों में उनतीस रनों की आवश्यकता तो मैच पूरी तरह से इस वक्त जा चुका है आरआर रॉयल के पक्ष में अब कोई चमत्कार ही जिता सकता है कोपरी फाइटर्स को यह मैच पटकी हुई ये गेंद बैकफुट पर जाकर एक पंच जरूर मिड विकेट पर यह गेंद मात्र एक रन मिलेगा जी एक रन पूरा यहां पर अब औपचारिकता मात्र एक गेंद में रनों की है ये हवा में गेंद और नीचे कोई फील्डर नहीं, नोमैन स्लैंड एरिया में गिरती हुई गेंद और रंगारंगी कार्यक्रम यही समाप्त होता हुआ इस मैच को आर आर रॉयल ने बहुत ही शानदार तरीके से जानदार तरीके से और दमदार तरीके से जीत लिया है पूरा पूरा श्रेय जाता है इस मैच का वन एंड ओनली मिस्टर वन मैन मिस्टर सुरेश जिन्होंने चौदह गेंदों पे अपना अर्धशतक बनाया था और अपनी टीम को एक विशाल काय टोटल प्रदान किया था पूरा पूरा, पूरा श्रेय जाता है उसके सर इस जीत का सहरा बनता है और उस जीत का हकदार है मिस्टर सुरेश सो नो डाउट इस मैच का मैन ऑफ द मैच उसे ही घोषित किया जाएगा सो so मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सुरेश से कि अपना मैन ऑफ द मैच कलेक्ट करने के लिए कप्तान भी है टॉस के लिए भी आ जाएं और अपना मैन ऑफ द मैच भी कलेक्ट करने के लिए मंच पर आएं